हाय फ्रेंड्स, आप लोग का अल्टीमेट रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग को शोरबेदार मटन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 केजी मटन लेंगे और उसको अच्छे से धुल लेंगे। तो ये मटन बहुत ही अच्छे से अब धुला गया है, अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो इसमें मैंने प्याज लिया है 300 ग्राम और इसको बहुत अच्छे से धुल के काट लिया है। और ये नमक है जो मैंने स्वाद अनुसार लिया है, और ये थोड़े से प्याज जो बनने के बाद इसको मटन को फ्राई करना है, और ये थोड़ा सा धनिया जो मैंने काटा है इसको बनने के बाद इसको ऊपर से सजाने के लिए डालना है, और ये 2 पीस छोटे छोटे अदरक है, और ये 3 खड़ा लहसुन है जो मैंने इसको छुड़ा दिया है, 1 चम्मच काली मिर्च है, और 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 छोटा टुकड़ा में दालचीनी है, और 3 लौंग है, और 3 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, और ये 3 तेज पत्ता है, ये 1.5 चम्मच मिर्चा पाउडर है, और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ फीका। और एक बात और, कुछ लोग 1 केजी मटन में बहुत ज़्यादा प्याज डाल देते हैं जिसकी वजह से टेस्ट थोड़ा मीठा हो जाता है। हमने 300 ग्राम प्याज लिया है जिसे काट लिया अच्छे से। 300 ग्राम प्याज डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा मटन का। अब इन मसालों में से अदरक, गुल मिर्च, धनिया, दालचीनी और ये तीनों चीज़ें, लौंग, इलायची और ये इलायची और लहसुन को हम पीस लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है, पीसने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लोग गैस पे कुकर चढ़ा देंगे, हम लोग मटन कुकर में बनाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब 2 मिनट हम इस कुकर को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है हमारा। और ये कुकर गर्म हो गया, अब इस चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल देंगे। मटन हम सरसों के तेल में बनाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा होता है। तेल गरम हो गया है, इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, और उन मसालों में से जो थोड़े से बचाए थे वो एक एक करके हम तेल में डाल रहे हैं। अब हम प्याज को डालेंगे। प्याज को डाल दिया, अब अच्छे से इसको चलाएंगे और हम ब्राउन होने का वेट करेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। देखिए इसका धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है, अभी हमें इसको ब्राउन होने तक इंतजार करना है। हाँ, तो हमारा प्याज इस कलर का हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब मसाला डालने के इतना तैयार हो गया है। अब हम इसमें मसाला डाल दिए और हल्दी और मिर्चा भी डाल दिए। अब इसको हम इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा अच्छे से चला देंगे। दो मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे। तेज आंच पर इसको हम 2 मिनट तक चलाएंगे। तो 2 मिनट हो गया है, तेल छोड़ने लगा है मसाले से, और अब इसमें हम मटन डाल रहे हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे, मटर और मसाला एक दूसरे से मिल जाए।
इसमें एक कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। इसमें हम एक कप और पानी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से चला देंगे। उसके बाद इसको ढक्कन से बंद कर देंगे। तेज आंच पर इसको बंद करके रख देंगे और 3 सीटी लगने का इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर इस ढक्कन को खोल के हम चेक करेंगे मटन गला है या नहीं। तो अब हम इसमें से एक निकाल कर हम चेक करेंगे कि गला है या नहीं। तो हम चेक किए तो ये गला नहीं है। हम फिर से इस ढक्कन को बंद करेंगे और 2 सीटी और लगा देंगे। हाँ, तो अब 2 सीटी के बाद अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब मैं इसको चेक करूंगी ये गला है या नहीं। अब हमारा ये मटन बहुत ही अच्छा गल गया है। अब इसके बाद इसको हटा देंगे। कुकर के हटाने के बाद अब मैं इसको कढ़ाई रख दूंगी इस पे जलाकर चूल्हे को और इसको गर्म होने का इंतजार करेंगे। हाँ, कढ़ाई अब हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा, 2 चम्मच। तो अब हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे जो हमने छोटे से काट रखे थे। हम इसको ब्राउन होने का वेट करेंगे। तो हमारा प्याज अब ब्राउन हो गया है। अब इसमें मटन डालने का टाइम आ गया है। अब हम इसमें मटन को डाल देंगे। अब हम इस मटन को भूनेंगे। धीरे धीरे हमारे मटन का कलर चेंज हो रहा है। ये बहुत ही दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, जो कि खाने में बहुत मजा आने वाला है। इतना टेस्टी हो रहा है कि आप लोग उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो अब इस मटन का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और मसाले से सारे तेल छोड़ रहे हैं, मतलब कि अब ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब कुछ देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे और दूसरी तरफ हम को जलाकर और उसमें 2 कटोरा पानी डालकर हम इसको गर्म करेंगे ताकि मटन में शोरबा बना सके। हम इस मटन को भून रहे हैं। जितने ही हम मटन को भूनेंगे उतना ही अच्छा और टेस्टी होगा। अब हमारा ये पानी गरम हो गया है। अब हम गैस को बुझा देंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पानी का कलर ऐसा क्यों है, तो ये वही वाले कुकर में हमने पानी डाला जिसने हमको गलाया था। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और इसके आंच को धीमे कर देंगे। अब हमारा पानी डालने के बाद ये मटन शोरबेदार मटन हो गया है, जो बहुत ही अच्छा, और ये मटन के अंदर तक जूस घुस चुका है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया पत्ती डाल रहे हैं। और इसके आंच को कम कर देंगे। इसको 2 मिनट हम पकाएंगे। हाँ, तो 2 मिनट के बाद मैंने इस बाउल में निकाल लिया है और ऊपर से धनिया रख दिया है सजाने के लिए। तो हमारा ये मटन तैयार हो गया है। अब आप लोग भी
आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और आप कमेंट करके भी बताएं आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए हो तो हम वो बना के आप तक हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।